हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भर्ती 2023। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन हो कि वीडियो को आप टोटल कंप्लीट देखिएगा, तभी सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे यानी कि आवेदन कर पाएंगे, इस भर्ती की लास्ट डेट क्या होने वाली, इस भर्ती की शुरुआती और लास्ट डेट क्या होगी, कैसे फॉर्म को फिल करना होगा, इस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, फॉर्म को कुल कितने पदों के लिए इस यानी कि भर्ती को कुल कितने पदों के लिए निर्धारित किया गया है यानी कि कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, कैसे फॉर्म को फिल करवाएंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, सारी कुछ जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। बस वीडियो को टोटल कम्प्लीट देखते रहिएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आइए उसके बारे में बात कर ली जाए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम सीआरपीएफ है। आपको सबसे पहले शॉर्ट में बताएंगे दोस्तों, यानी कि सबसे पहले शॉर्ट में आप सभी को बता दिया जाए तो वैकेंसी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रैली भर्ती निकाली गई है यानी कि बिल्कुल रैली आपकी इस भर्ती में सीधी भर्ती होने वाली है। और यहाँ पे कैटेगरी नेम आपको बता दिया जाए तो डिफेंस जॉब है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। हु कैन अप्लाई, यहाँ पर ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। एग्जाम सेंटर यहाँ पर ऑल ओवर इन इंडिया है। और जेंडर यहाँ पे मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे अगर अनमैरिड हो तब, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। रैली स्टार्ट होने वाली है, किस तारीख से रैली भी स्टार्ट होगी वो सभी आपको वीडियो का लास्ट तक बताएंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन मोड के बारे में बात कर ली जाए तो ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना लगेगी, तो जनरल ओबीसी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 100 रुपये लगेगी, एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए पेमेंट कैसे जमा करना होगा आप सभी को, तो ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट बिल्कुल जमा कर पाएंगे, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट आप जमा कर पाएंगे। सीआरपीएफ रैली भर्ती की एज लिमिट के बारे में बात कर ली जाए तो मिनिमम एज 17 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। एज में छूट के लिए आप सभी को बता दिया जाए, जो कि एज में छूट एससी एसटी कैंडिडेट को 5 वर्ष का और ओबीसी कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इस भर्ती की सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो 41,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपको दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बात कर ली जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सीआरपीएफ भर्ती की ये जो रैली भर्ती निकाली गई, इस भर्ती में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सिंपल और सिंपल 10वीं के पास कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। किसी भी बोर्ड से आपको कम्प्लीट यानी कि 10वीं की परीक्षा पास की होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में कम से कम 30% मार्क्स आपके होने चाहिए। इस भर्ती की फिजिकल टेस्ट यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात कर ली जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो कि ऑल नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 70 से लेकर 75 तक चेस्ट आपका यहाँ पर होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आइए बात कर ली जाए ये जो भर्ती निर्धारित की गई, इस भर्ती में रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बता दिया जाए मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग बिल्कुल 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। पुशअप यहाँ पे 10 आपको लगाने होंगे, स्पीड आप देख पा रहे होंगे जो कि 20 आपको लगाने होंगे। और यहाँ पर इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ली जाए यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्केल टेस्ट भी होगा और मेरिट लिस्ट लास्ट में आप सभी को फाइनल मेरिट भी दी जाएगी। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे, तो फोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आधार कार्ड किसी नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप कर पाएंगे। इस भर्ती में आइए बात कर ली जाए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है मैथ, साइंस, जी के, जी एस, यहाँ पर कंप्यूटर के यहाँ पर आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट आप निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पे आइए बात के लिए इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट यानी कि ज़रूरी तारीख के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट 9 अगस्त 2023 है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है, पेमेंट जमा करने की लास्ट तारीख वही है दोस्तों जो कि 20 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। यहाँ पर एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं मिली है, अभी तक प्रोसेसिंग जारी है। इस भर्ती की स्टार्टिंग और लास्ट डेट तो
आपको बता ही दिया, अभी तक एडमिट कार्ड एग्जाम डेट की जानकारी नहीं मिली है। जैसी कुछ भी जानकारी मिलेगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। अगर दोस्तों इस भर्ती का आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिले तो हम आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहीं से जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जहाँ कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आप सभी से एक जरूरी बात बता दें कि आप किस राज्य और ज़िले से बिलोंग करते हैं। आप अपने राज्य और ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके राज्य और ज़िले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम सबसे पहले बता सके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।